काजल के सामने आई रूही की प्लानिंग, घर वालों ने मनाई खुशियां। स्टारप्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि रोहित के शर्त के बाद घर वाले इस बात से खुश है कि फाइनली अभीरा और अरमान की शादी हो जाएगी। तो विद्या अभीरा को शगुन के नाम पर कुछ ज्वेलरी लाकर देती है। पहले तो अभीरा उसे लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि बहुत पहले जश्न मनाना ठीक नहीं होगा। विद्या कहती है कि दादी सा मान जाएगी। सबसे ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर मनीषा है। मनीषा कहती है कि दादी सा रोहित से बहुत ज्यादा प्यार करती है और एट द एंड वो इस शादी के लिए मान जाएगी। यहाँ पर मनोज कहता है कि दादी सा रोहित से जितना प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा नफरत वो अभीरा से करती है, तो वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं काजल को रूही की प्लानिंग के बारे में पता है और वो संजय की बात सोचती है। काजल सोचती है कि अगर अभीरा और अरमान की शादी हो जाएगी तो संजय के अकॉर्डिंग वो दोनों दादीसा से और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे और दादीसा के नफरत की वजह से अरमान अभीरा के साथ घर छोड़कर चला जाएगा, और अगर अरमान चला जाएगा तो रूही भी चली जाएगी, जिसके बाद रूही के जाने का पूरा इल्जाम रोहित एक बार फिर से अरमान पर लगाएगा। अब काजल ये डिसाइड करती है कि वो दादीसा से बात करेगी कि ये शादी की परमिशन ना दे। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।